एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में दरवाजे में झाड़ू लगा रही थी और हल्की हल्की सर्दी होने लगी है। चाय मैंने चढ़ा दी थी, तो जब तक मैंने झाड़ू लगाई तब तक मेरी चाय पक गई। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना ली हूँ, छान ली हूँ और पति देव को दे दी है। इसके बाद मैं पूड़ियाँ बना लूँगी बच्चों के लिए नाश्ते के लिए। तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में उठ गई थी। क्यों उठ गई थी, आप लोग ब्लॉग में रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैं बच्चों के लिए नहीं बना रही हूँ नाश्ता, एक्चुअली में हम लोग कहीं जा रहे हैं इसलिए बना रहे थे नाश्ता। तो बस फटाफट से मैंने कहा पूड़ियाँ बना लेते हैं, रास्ते में खाने के लिए हो जाएंगी। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा आटा लगाई हूँ कि फटाफट पूड़ियाँ बना लूँ, रास्ते के लिए हो जाएंगी। थोड़ा बहुत बच्चे अगर यहाँ पर खाएँगे तो उनके लिए भी हो जाएगा। सो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी आज मॉर्निंग में, 5 बजे के करीब उठ गई थी। चाय वगैरह बनाई और जैसे फिर झाड़ू वगैरह करी तो काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गया था। इसके बाद पूड़ियाँ बना लूँगी, तो हम लोगों को 7 बजे की समथिंग निकलना था हर हालत में। तो बस वही मैं वो कर रही थी कि मैंने कहा फटाफट पहले पूड़ियाँ बना लूँ जिससे वो हो जाएगा काम। और मेरी गर्दन की नस बहुत ज़्यादा दर्द हो रही, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। सो यहाँ पर जो है मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करनी थी। पता है एक दिन घर में ना सांप घुस आया था, काफ़ी बड़ा सांप था। और मैं खाना बना रही थी, खाना बना के मैं जैसे ही मैंने पहले बच्चों के लिए पोहा बनाया, खाना बनाया, तो मैं पोहा लेके आई कि मन का चलो थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। तो जैसे ही लेके आई वैसे ही मुझे इतना बड़ा सांप दिखाई दिया, खूब काफ़ी बड़ा था, छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था। तो बस मैं एकदम से डर गई। फिर मैंने काफ़ी लोगों को बुलाया कॉलोनी से, वैसे तो यहाँ पे कोई ऐसे रहता नहीं है, उनको बुला के आए। तो फिर जैसे तैसे उसको वो किया, भगाया घर से। और बहुत काफ़ी बड़ा था, काला सांप था, और शायद वो उसको कुछ और भी बोलते हैं, काला नहीं था क्योंकि पूरा उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद कलर की धारी टाइप की थी, तो मुझे नहीं पता। तो बस यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ और बच्चों की जो है और हम लोगों की जान बाल बाल बच गई, क्योंकि अगर वो घर के अंदर कहीं छिप जाता तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात होती। और इसके बाद मालूम है क्या हुआ, बेटी उठी स्कूल के लिए, बोली कि मुझे स्कूल जाना है, मेरा जाना ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों का जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। मैंने यहाँ पे पति देव के लिए नाश्ता लगा दे दिया है, अचार और पूड़ी, क्योंकि हम लोग जाने के लिए बनाए थे नाश्ता। लेकिन फिर एकदम से बेटी बोली मेरा जाना ज़रूरी है, इसलिए फिर हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया। हम लोग घर जाने वाले थे क्योंकि मेरी जो बड़ी सासू माँ है उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उनको देखने के लिए जाना था। बहुत सारे लोग देख गए, मैं नहीं जा पा रही थी, थोड़ा सा काम था इसलिए बच्चों के स्कूल के कारण। तो फिर मैंने कहा चलो मेहंदी ही डाल देते हैं, अपने बालों में घोल लेते हैं। तो मैं जैसे थोड़ा बहुत और भी जो कुछ डालती हूँ तो वो मैंने उसमें ऐड कर लिया था, और हल्का हल्का पानी डाल के इसको घोल के रख दूँगी। और फिर जब दोपहर में फ्री हो जाऊँगी तब इसमें लगा लूँगी मेहंदी। तो यहाँ पे मैं मेहंदी घोल के रख दे रही हूँ। और होता है कहीं जाने का प्लान बनता है लेकिन नहीं बन पाते हैं। तो बस सुबह से उठ गई थी आज मैं बहुत जल्दी और सारा प्लान एकदम से ख़राब हो गया, मतलब कि दिन ही ख़राब चला गया, पता नहीं एकदम ऐसे ही हो गया, प्लान सडनली कैंसिल हो गया। तो कोई बात नहीं, फिर मैं यहाँ पर मेहंदी घोल ले रही हूँ और इसके बाद फिर मैं अपने बालों में भी डाल दूँगी। तो पतिदेव बोले कि मेरे बालों में भी थोड़ी सी डाल दो, तो यहाँ पे मैं उनके बालों में डाल रही थी मेहंदी और हाथ से ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि ब्रश से मुझे लगाते नहीं आती है इसलिए मैं हाथों से ही मेहंदी लगा देती हूँ। और पतिदेव देखो मुँह वाला ब्रश लेके आ गए थे, कह रहे थे ऐसे लगा दो, तो मैंने कहा नहीं हाथ से लगा देती हूँ। मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं आया, तो बालों में मेहंदी लगाने वाला ब्रश नहीं है हम लोगों के पास में, यही इसी ही मैं तो हाथ से ही लगाती हूँ, मुझे हाथ से ही लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इनको लगा दूँगी। सामने अभी पूजा जो है रात में करी थी जो वो फैली हुई है, नहा के आएंगे फिर उनको समेटेंगे भगवान जी को। और यहाँ पे मेरा जो चूहा बनाया था वो भी चूहों ने बिखेर दिया था, तो एक दिन में पता नहीं कितने वो हो गए थे। और बस यहाँ पे मेहंदी डाल दूँ, देन दूसरे काम करूँगी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसीलिए मैंने सूट भी बदल लिया, टी शर्ट बदल दी। और हम लोग जाने वाले थे मकान पे, तो मैंने कहा चलो मकान पे ही चले जाते हैं, थोड़ा सा वहीं पे घूम आएंगे, देख लेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। बालू डालनी थी क्योंकि काम लगना है, लेकिन बालू भी नहीं डली है। इसके बाद मिल रही हूँ मैं सीधा मेहंदी डाल के, तो यहाँ पे देखो मैं मेहंदी डाल चुकी हूँ बालों में और कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया है। देन आ गई हूँ नहा के और बालों को अच्छे तरीके से पोंछ लूँगी, नहा धो लिया था मैंने,
तो बस यहाँ पे बालों को पोंछ ली हूँ और फिर देखते हैं नेक्स्ट डे शैम्पू करेंगे तो काफ़ी अच्छा वो हो जाएगा, बाल हो जाएंगे काफ़ी अच्छे, शाइनिंग दे देंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ अपने बालों को, सारा काम करके ही मैं गई हुई थी नहाने के लिए। अनका पहले नहा लेते हैं, इसके बाद दूसरा काम करेंगे। बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी, इग्नोर करेंगे करिएगा। और नेक्स्ट अब मिलती हूँ नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब सच में अपनी सासू माँ को देखने जा रही हूँ, तो दो दिन में प्लान बनाते बनाते जा पाई थी। तो मैंने ब्लैक कलर की साड़ी डाली हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है। तो बस यहाँ पे मैं कंघी कर ले रही हूँ और इसके बाद फिर हम लोग अपने सासू माँ को देखने के लिए जाएंगे। तो वहाँ का वीडियो हो सकता है मैं शूट करूँ ना भी करूँ, तो देखते हैं जब वहाँ जाने के बाद पता चलेगा शूट किया है नहीं किया। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी कंघी कर लूँ, पोनी टेल बांध ले रही हूँ और फिर थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह लगा लूँगी, देन कुछ नहीं करूँगी। और बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा अगेन। इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे, नाश्ता बस किया था हम लोगों ने और निकल गए थे। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और धूप इतनी तेज़ वाली थी और शाम में लौटते टाइम इतनी ज़्यादा सर्दी लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा, आप लोगों को बता भी नहीं सकती मैं कितनी सर्दी लग रही थी हवा के कारण से। और यहाँ पे पतिदेव हवा चेक करवा रहे थे स्कूटी में, क्योंकि हवा ख़त्म हो गई, मतलब थी नहीं उसमें, ख़त्म नहीं थी, नहीं लग रही थी जैसे कम हो, तो वो चेक करवा रहे थे। यहाँ पे हम लोग देखो बहुत बड़ा बांध है हम लोगों के यहाँ, रनगुआ बांध, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। देन हम लोग लौट के आ गए हैं, तो मैंने वहाँ का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया और मुझे सूरज बहुत अच्छा लग रहा था डूबते का, तो क्योंकि हमें एक आशा देखी जाता है कि अगर मैं आज डूब रहा हूँ तो कल फिर मिलूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।